इंडिया टीवी आपकी आवाज। दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, G20 समिट में लेंगे हिस्सा। भारत यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे जो बाइडेन। G20 के लिए कल से 4 दिनों के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति। जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को है कोरोना संक्रमण। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 9 और 10 सितंबर को रहेंगे दिल्ली। रूस और चीन के प्रेसिडेंट के G20 में ना शामिल होने पर बोले एस जयशंकर, ये उनका खुद का फैसला। G20 की तैयारियों पर विपक्ष की आलोचना पर बोले एस जयशंकर, उनके समय में रूटीन दिल्ली से विज्ञान भवन तक था देश का प्रभाव। विदेश मंत्री का बयान, G20 को राष्ट्रीय प्रयास के लिए माना जाना चाहिए, पीएम मोदी ने यह विचार कर काम किया। G20 के निमंत्रण पत्र के बाद बदला जाएगा कार्यक्रम का पहचान पत्र। सूत्रों के मुताबिक आईडी कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा जाएगा। इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र, लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडिया का नाम बदलने पर जोरदार सियासत, कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई आपत्ति, कहा बदल दिया देश का नाम। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया की जगह भारत लिखने पर आपत्ति जताई, कहा अचानक देश का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई, गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो क्या वो भी बदल देंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। शरद पवार ने कहा गठबंधन का नाम इंडिया रखने से सत्ताधारियों में बेचैनी, नाम बदलने का आखिर अधिकार किसी को नहीं। भारत पर सवाल पूछने पर बचते दिखे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा हमको नहीं पता। दिग्विजय सिंह की बीजेपी को सलाह, बीजेपी वालों को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा पीएम मोदी को इंडिया शब्द से दिक्कत हो गई है इसलिए बदल रहे हैं नाम, हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की संपत्ति नहीं, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। इंडिया शब्द हटाने की बात आरएसएस ने की, आप सांसद संजय सिंह बोले सरकार संविधान से इंडिया हटाने की कोशिश में, पहले वोट फॉर इंडिया कहते थे अब बदल रहे हैं देश का नाम, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी के मन में इंडिया के लिए नफरत पैदा हो गई है, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार नहीं, आजादी के बाद इन्होंने संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राष्ट्रपति के भारत नाम को प्राथमिकता देने से खुशी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना, आप हमसे ना इंडिया छीन पाएंगे ना भारत। इंडिया गठबंधन से हताश पीएम मोदी, इंडिया की जगह किया भारत, एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पीएम से सवाल, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया नाम क्यों रखें। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी का पलटवार, राजीव चंद्रशेखर बोले देश का नाम पहले भी भारत था आगे भी रहेगा। जयराम रमेश पर बीजेपी का निशाना, तरुण चुग बोले बेवजह जानबूझकर पैदा किया जा रहा भ्रम। इंडिया गठबंधन से सहमे पीएम मोदी, संविधान बदलने की हद तक गए, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, जिन्हें भारत से प्यार नहीं वो उठाएंगे सवाल। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की मांग, अंग्रेजों ने गाली के तौर पर दिया शब्द इंडिया, देश का नाम भारत किया जाना चाहिए। भारत नाम पर अमिताभ बच्चन ने खुशी जताते हुए ट्वीट कर लिखा भारत माता की जय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बीसीसीआई से अपील, वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर लिखा हो भारत, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। एक्टर जैकी श्रॉफ ने भारत को लेकर दिया बयान, कहा पहले नाम भारत था तो भारत को भारत ही बोलेंगे। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय इंडोनेशिया का दौरा, जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, राम मंदिर निर्माण की सौंपी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के दिए निर्देश, होटल लॉज और पार्किंग का इंतजाम करने के लिए भी कहा। इंडिया अलायंस के सभी 24 दल संसद के विशेष सत्र में लेंगे हिस्सा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक में हुआ फैसला। सूत्रों के मुताबिक 24 विपक्षी दल की तरफ से सोनिया गांधी लिखेंगी पीएमओ को पत्र, विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज रायसेन दौरा, सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सांची सोलर सिटी प्लांट का करेंगे लोकार्पण, कार्बन उत्सर्जन कम करने, सालाना 7 करोड़ की बचत करने का है लक्ष्य। चंडीगढ़ में उदय निधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी डेलीगेशन ने एसपी कवरदीप कौर से मिलकर की शिकायत, सनातन के खिलाफ दिया था बयान। उदय निधि के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग, 262 हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। उदय निधि और प्रकाश अम्बेडकर के बयानों पर बोले एसटी हसन, सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था, धर्म पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर आज भी सवालिया निशान। तुमकुरु में सभा में बोले परमेश्वर,
कहा बौद्ध और जैन का जन्म भारत में, इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से आए, लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे उद्धव ठाकरे गुट, राजभवन में दोपहर 2 बजे मुलाकात का कार्यक्रम। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, इम्फाल ईस्ट के संजेन लोक इलाके में कई घरों को आग के हवाले किया गया। इंदौर में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, बदमाशों का जुलूस निकाला, उठक बैठक कराई। आगरा के थाना निबहोरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने शुरू की जांच, 3 में से 1 आरोपी को अरेस्ट किया। गाजियाबाद में कुत्ता काटने के कई दिन बाद बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हुई, इलाज के लिए भटकता रहा पिता।